आज हम आपको विज्ञान के विषय में कुछ बातें बताएंगे। हमारे हाथ में लकड़ी के दो टुकड़े हैं, इनको देखने से ही पता चलता है कि एक टुकड़ा छोटा है और एक टुकड़ा बड़ा है। इसी प्रकार यदि हम इन दो वस्तुओं को देखें तो हाथ में रखने से यह अंदाज हो जाएगा कि एक वस्तु हल्की है जो हमारे दाहिने हाथ में है और दूसरी वस्तु जो हमारे बाएं हाथ में है ये भारी है। इससे ये अंदाजा लगाया तो जा सकता है, लेकिन ये टुकड़ा इससे कितना बड़ा है या ये छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से कितना छोटा है, इसका सही सही अंदाज लगाने के लिए हम मापन का कार्य करते हैं। इसका कारण यह है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे हम अनुभव करते हैं उसकी एक सीमा है, इसीलिए सही सही माप के लिए हम मापन का प्रयोग करते हैं। मापन करने से पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि मापन में हमें किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मापन में हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो वह राशि जिसका हमें मापन करना है और दूसरा इसका मात्रक, यानी हमें किस इकाई में इसे नापना है। जैसे अगर हम मान लिया लंबाई नाप रहे हैं और हम ये लिख रहे हैं कि किसी वस्तु की लंबाई बराबर 7 मीटर, तो हमें यह पता है कि हम किस राशि का मापन कर रहे हैं, हम लंबाई का मापन कर रहे हैं, और किस मात्रक में कर रहे हैं ये यहां पर हम मीटर में इसका मापन कर रहे हैं। अब यहां पर यह आवश्यक हो जाता है कि जो हमारा मात्रक है उसमें जो जिस राशि का हम मापन कर रहे हैं वो कितने गुना आ गई है, यानी यहां पर हमें एक तीसरी चीज जो है इसके संख्यात्मक मान की भी आवश्यकता होती है। यानी यहां पर जो 7 है वो हमारा संख्यात्मक मान होगा। और तो मापन में हमने देखा कि हमें 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, वह राशि जिसका हमें मापन करना है जैसे लंबाई, मात्रक की जिसमें हमें उसको मापना है, लंबाई को हम मीटर में नाप रहे हैं इसलिए ये मात्रक यहां पर मीटर हुआ, और इसी प्रकार ये हम देख रहे हैं कि वो जो मात्रक हमने लिया है वो हमारी राशि में कितनी बार आया, कितने गुना हो गया, जैसे यहां पे 7 गुना है, यानी हमारा जो मीटर स्केल होगा उसको अगर हम 7 बार नापें तो हमें इसकी पूरी लंबाई का ज्ञान हो जाएगा। यहां पर एक चीज और बताना जरूरी है कि राशियां जो हैं वो 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? ये राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं और ये 2 प्रकार की हैं। एक तो मूल राशि या स्वतंत्र राशि, ये 2 तरीके की हमने राशियां देखी। इसमें एक जो है पहली क्या है, मूल राशि है और या स्वतंत्र, इनमें आपस में कोई संबंध परस्पर नहीं होता, और दूसरी जो है वो व्युत्पन्न राशि होगी, व्युत्पन्न राशि या जो राशि स्वतंत्र नहीं है। जैसे यहां पर हमने अभी देखा कि लंबाई एक ऐसी मूल राशि है जिसका किसी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की बात करें उदाहरण के तौर पर तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि होगी।
अतः उदाहरण के तौर पर लंबाई मूल राशि हुई और क्षेत्रफल ये व्युत्पन्न राशि हुई। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल जो है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, जिसमें दोनों का मापन लंबाई के ही मात्रक में किया जाता है, जो कि हमने यहां मीटर लिया था। तो ये व्युत्पन्न राशि हो गई, यानी ये इससे पैदा हो रही है, मूल राशि से ये पैदा हो रही है। अब हम ये जानने के लिए कि कौन कौन सी मूल राशियां हैं, हमें भौतिक मूल राशियों के बारे में ये जानना अति आवश्यक है, क्योंकि सही मापन में हमें यह जानना होगा कि मूल राशियां कौन कौन सी हैं। मूल राशियों में, अच्छा, चूंकि ये मूल राशि हैं इसलिए इनका मापन भी मूल मात्रक में होगा। जिस मात्रक में हम करेंगे उसको क्या कहेंगे? मूल मात्रक। तो पूर्व में बहुत पहले जो हम लोग शुरू में जानते थे कि केवल तीन ही मूल राशियां थीं, कौन कौन सी? लंबाई, जिसका मापन हम मीटर में करते थे, मात्रा या भार, इसको भार भी कह सकते हैं, इसको इसका मापन हम किलोग्राम में करते हैं, और इसी प्रकार तीसरी मूल राशि थी समय की, जिसको हम सेकेंड में निकालते थे। यानी पूर्व में जो हमारी मूल राशियां थी जिनको हम मूल मात्रक में नापते थे वो कौन कौन सी थी? लंबाई, भार किलोग्राम में, लंबाई मीटर में, और समय सेकेंड्स में। और इस प्रकार इन राशियों को मापने के लिए जो प्रणालियां पहले प्रचलित थी वो तीन प्रकार की प्रणालियां थी। पूर्व में प्रचलित प्रणालियां, पूर्व में प्रचलित प्रणालियां कौन कौन सी थी? एक थी CGS, C सेंटीमीटर, G ग्राम, और S सेकेंड। इसको इस प्रकार से लिखते थे, CGS। दूसरी FPS थी, फुट, पी पाउंडल, पाउंड, और एस सेकेंड। इसी प्रकार तीसरी प्रणाली जो प्रचलित थी वो थी MKS की, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये तीन प्रणालियां पूर्व में प्रचलित थी, परंतु वर्ष 1971 में वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गई और उसमें मूल राशियों और मूल मात्रकों पर पुनः विचार किया गया, और ये पाया गया कि ये मूल राशियां जो हैं, राशियां ये तीन के स्थान पर सात हो गई, मूल मात्रक। पहली लंबाई, ये हम देख ही चुके हैं मीटर में। दूसरी भार
किलोग्राम में, तीसरी समय, सेकेंड्स में, चौथी तापमान, ये केल्विन में, प्रकाश तीव्रता, प्रकाश तीव्रता ये कैंडेला में, छठा धारा या विद्युत धारा इसको कह सकते हैं ये एम्पियर में, और सातवीं पदार्थ की मात्रा ये हम मोल में निकालते हैं। यानी अब हमारी तीन के स्थान पर मूल राशियां सात हो गई, लंबाई इसका मूल मात्रक मीटर हुआ, भार इसका मूल मात्रक किलोग्राम हुआ, समय मूल मात्रक सेकेंड, तापमान ये नई राशियां हैं, तापमान इसको केल्विन में नापेंगे, और प्रकाश तीव्रता इसको कैंडेला में लिखेंगे, धारा एम्पियर में इसका मापन करेंगे, और पदार्थ की मात्रा जो है इसको मोल में लिखेंगे। एक चीज और बताना चाहेंगे कि इसके साथ दो संपूरक मूल राशियां भी हैं, और वो कौन सी हैं? दो संपूरक मूल राशियां भी हैं, वो हैं इसको हम कोण कह सकते हैं जो समतल पे बनता है। जैसे हमने ये कागज पर एक कोण बना दिया, ये कोण इसको हम रेडियन में नापेंगे, इसका मात्रक जो है रेडियन होगा, और एक ठोस कोण या घन कोण कहेंगे, इसका मापन हम इस्टे रेडियन में करेंगे। जैसे हमारे पास ये पॉइंटर है और इसके नोक का अगर हम कोण निकालना चाहें, ठोस कोण या घन कोण, तो वो हम इस्टे रेडियन में नापेंगे, और जो समतल पर कोण है उसे रेडियन में नापेंगे। आज हमने मूल राशियों और मूल मात्रकों पर चर्चा की, और हम ये जानने में ये भी उत्सुक होंगे कि जैसे ये हमारा एक पैमाना है और ये पैमाने में छोटी छोटे निशान भी बने हुए हैं, तो ये किस आधार पर बनाए गए हैं, और कोई हमारा इसका मात्रक होगा जो एक मानक मात्रक होगा। अगले कार्यक्रम में इन सब विषयों पर तथा अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें हम और आपको मापन के बारे में जानकारी